आज हम अभी घर से रिक्शे पे आए यहाँ पे मेट्रो, इंडियन मेट्रो से हम जाएंगे पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन और वहाँ से हम पकड़ेंगे अपनी ट्रेन। हम लोग ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे हम मंडोर एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने वाले हैं। हम पहुंच चुके हैं मंडोर एक्सप्रेस पे और अब हम चलते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइम सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग फाइनली जोधपुर पहुंच चुके हैं और अब शायद हमें हमारी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ लेने आएंगे और फिर हम उनके घर जाएंगे और फिर वहाँ से हम होटल ढूंढेंगे। सो यहाँ पे क्या है कि जो मेरे मम्मा पापा इन लॉ हैं वो पहले यहाँ पे जॉब करते थे पापा, तो मेरे पेरेंट्स वहीं रहते थे। सो आज फाइनली 20-22 साल बाद वो दोबारा यहाँ पे आ रहे हैं एंड दे आर वेरी एक्साइटेड घूमेंगे फिरेंगे एंड देखेंगे उनको क्या क्या डिफरेंस ऑब्जर्व करने को मिला। हेलो एवरीवन, आज हम पहुंच गए हैं जिप्सी जोधपुर में और यहाँ बहुत फेमस है, बहुत पुराना है और हम यहाँ पे अब खाना खाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या खाने को मिलेगा। जिप्सी वहाँ का एक बहुत पुराना रेस्टोरेंट है जो 20-22 साल पहले भी मेरे पेरेंट्स इन लॉज आके खाते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पूरी थाली मंगवाई थी जिसके अंदर ये हमें सबसे पहले उन्होंने दाल दी है और ये ऊपर बावड़ा है और फिर उसके बाद नीचे बाटी रखी हुई है, चूरमा है, प्याज है, प्याज मिर्ची का वो है और ये शायद चक्की है। बहुत ही अच्छे से उन्होंने थाली दी थी और खाना मैं कहूँगी कि इतना टेस्टी नहीं था, लोकल जगह आप ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं बिकॉज शायद मे भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा चल गया है तो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन लगी। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स जो यहाँ पे 20-22 साल पहले रहते थे उन्हें और भी ज़्यादा डाउन लगी थी। ये हमने चूरमा खाया है और चूरमा काफ़ी अच्छा था, दाल बाटी चूरमा अच्छा था। ये जो है ये टाइनी डॉट स्कूल है जहाँ पे मेरे हस्बैंड 1 से 6 साल तक के बीच में उन्होंने यहाँ पे स्कूलिंग करी थी जो बिल्कुल वैसा कि वैसा बिल्कुल नहीं चेंज हुआ, तो हम वो भी देख के आए थे वहाँ पे। शॉप पे जिसका नाम है सन सिटी स्पाइसेस जो कि रिकमेंड किया गया है ट्रिप एडवाइजर पे भी और विकी ट्रेवल पे और अदर गाइड बुक्स पे भी। यहाँ पे सारे आपको स्पाइसेस मिलेंगे इंडिया के, आपको यहाँ पे टी से लेके पंचकुटा हर एक तरह की चीजें मिलेंगी और ये हमारे मसाले की दाल मिर्च बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। यहाँ पर हमारे साथ उनके ओनर है और अभी बताएंगे अपनी शॉप के बारे में। हम सब तरह का मसाला रखते हैं, हमारा स्पेशलाइज है करी पाउडर, चिकन करी, ये योगर्ट मसाला है, गार्लिक मसाला है, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है एंड वी सेल अ वेरी गुड सैफ्रॉन आल्सो, वेरी गुड क्वालिटी सेल, आई कैन सेल वेरी गुड क्वालिटी सैफ्रॉन एंड मथानिया भरी हुई मिर्च, अचार वगैरह, पापड़ वगैरह भी रखते हैं हम, राजस्थानी मसाले, केर, सांगरी सब रखते हैं हम, पंचकूटा वगैरह सब रखते हैं। तो बनाना बहुत डिफिकल्ट है, ये बना बनाया तैयार है आपके मुद्दों का पीछे होगा, ये बना बनाया सही है कोने में चिकन टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला ये यूट्यूब में डालेंगे, ये अपने कस्टमर्स हैं और अलग-अलग जगह से विदेशी आते हैं और ग्रीन टी और मसाले
ये सब लेके जाते हैं। ये देखो जोधपुर की फेमस दुकान है। ये फ्रेंच लैंग्वेज में पोस्ट कार्ड सब कुछ है ना। हाँ ये मैं कलेक्ट करता हूँ, मेरी होगी बहुत पुराना है। मेरा शॉप का एड्रेस है सन सिटी स्पाइसेस शॉप नंबर 112 नई सड़क जोधपुर राजस्थान। तो दोस्तों ये है मिर्ची वड़ा, ये काफ़ी फेमस है जोधपुर का, पूरे राजस्थान में बहुत फेमस है। तीखा दिखता है बट बिल्कुल भी तीखा नहीं होती मिर्ची। और ये है हमारी मेवा कचौड़ी, ये ड्राई फ्रूट्स के अंदर बनती है और उसके ऊपर चाशनी गिरती है, दोनों ही बहुत बढ़िया थी। नई सड़क की ये खास बात है कि वहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, आप बुक से लेके नेक सुई से लेके आप कपड़ों तक सब कुछ ले सकते हैं। और बहुत पुरानी पुरानी दुकानें हैं वहाँ पर, बहुत बढ़िया, मतलब अंग्रेज़ों के टाइम की भी दुकानें हैं वहाँ पर। वहाँ से फिर हमने सफ़र शुरू किया कायलाना लेक का। अरावली हिल्स के बीच में एक छोटी सी लेक है और यहाँ पे बोटिंग होती है, बहुत ही सुंदर व्यू था। और हम लोग 3:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गए थे और ये हमारा लास्ट पार्ट था आज के दिन के टूर का। आज हमने जो ऑर्डर दिया है गुलाब जामुन की सब्जी, सेम की सब्जी और काजू करी और लहसुन की चटनी, ये खास ऑर्डर में से है। नान और रोटी ये हमने अलग से दिया है और खाएंगे फिर बताएंगे। एवरीवन, अब हम आ चुके हैं उम्मीद भवन पैलेस और यहाँ पे मास्क मैंडेटरी है। इसके जो टाइमिंग्स है वो रहते हैं 9 to 5 PM। बहुत अच्छी जगह, फिलहाल थोड़ी गर्मी है, थोड़ी हमें गर्मी लग रही है, थोड़ा गलत डिसीजन था इस टाइम पे आना, बट क्योंकि 5 बजे बंद होता था इसलिए हम आ गए थे। बेस्ट टाइम टू विजिट जोधपुर इज़
नवंबर टू मार्च कहते हैं, बट मार्च में अभी हम हैं और हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो आइए देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, स्ट्रेट में आपको दिखाते हो। वो होटल का ये महल से पहले बना वही मॉडल है, फिर बिल्डिंग बनी। भैया एक मिनट देख लेने दो। गो। अब हम पहुंचे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट में और इस टाइम टाइम हो रहा है आई थिंक 18 बज रहा है। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आई हूँ और हम ये फोर्ट पे जा रहे हैं। सुनने में आया है कि काफ़ी ऊपर जाना पड़ता है। लेट्स सी कितना चल पाते हैं। लिफ्ट ऑप्शन भी है, रोप वे भी है, देखते हैं सारे ऑप्शंस। अभी हम बाहर खड़े हैं, ये 5 बजे तक ही ओपन रहता है। अभी 3 बजे हमारे पास 2 घंटे कवर करने के लिए। कहा जाता है ये 2.5 से 3 घंटे लेता है। तो लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या नया मिलता है हमें। ये है जोधपुर का मंडोर गार्डन। ये बहुत अच्छे से सजा हुआ है अभी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि एक सीरियल की शूटिंग हो रही थी और एक दो में फेमस चेहरे भी दिखे शूट पे। तो वैसे तो बहुत पुराना है ये, लेकिन उस दिन स्पेशली काफ़ी अच्छे से डेकोरेट हुआ हुआ था। ये प्राचीन गार्डन्स में से है और यहाँ पे काफ़ी शूटिंग्स भी होती हैं। पुरानी फिल्म्स की यहाँ पे शूटिंग भी हुई है, हॉरर मूवीज़ की भी यहाँ पे शूटिंग हुई है। पहाड़ों के बीच में है और काफ़ी अच्छी नक्काशी करी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे बंदर बहुत होते हैं और ये अभी से नहीं, बहुत टाइम से। इस टाइम मंडोर गार्डन में और वहाँ पे हमने देखा कि शूटिंग चल रही है और काफ़ी अच्छे से सब कुछ डेकोरेट किया हुआ उन्होंने। तो फाइनली हमारा सफ़र हुआ ख़त्म और हम वापस जा रहे हैं दिल्ली। Bye bye. Bye bye.